गलत बात कर रहे हैं, आप रेक्टिफाई करने की जो बात कर रहे हैं तो एक रेक्टिफाई करने की बात जब आप कर रहे हैं तो एक रिलीजन वर्ड है सीसीए में, सीसीए में जो रिलीजन का जो लफ्ज है उसको हटाने के लिए सीए में उसको हटाने का डिमांड करते हुए ही अपोजिशन अपोजिशन बोलो पब्लिक डिमांड कर रही है ताकि मैं सरकार को सुनाया था। और एक दूसरा सवाल एक है, एक ही सवाल है सब इसको कनेक्टेड है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। फिर बाद में तेलुगु का शुरू हुआ तो उर्दू को मौका नहीं देते इसलिए। एनआरसी एनपीआर और सीसीए के बारे में वजीर आजम सही बोल रहे हैं, अमित शाह सही बोल रहे हैं, या आपकी एनुअल रिपोर्ट सही बोल रही या किशन रेड्डी साहब सही बोल रहे हैं, इसका डिटेल्स में बोल दिया तो बेहतर। जो सही बोल रहा है जो भी बोले हैं फाइनल प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वही अमल होता है। दूसरा जो रिलीजियस का नाम कुछ नाम लगाया है सर, मैं पूछना चाहता हूँ इस भारत में भी जो रिजर्वेशन अभी तक अमल किया है, अमल करते वक्त कुछ कास्ट का नाम ले लिया है मगर दूसरा कास्ट के खिलाफ ऐसा नहीं है ना, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के नाम पर लेते हैं और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के नाम पर लेते हैं। माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन में भी आप जो तेलंगाना में अमल किया है कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन लिए, ऐसा ही इसमें होता है। जो सीजी अमेंडमेंट एक्ट में भी ऐसी है, कुछ लोगों को जो बिल्कुल जो पाकिस्तान में उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ जी नहीं सके वैसे लोग आए उनके लिए है, रिलीजियस के नाम पर उनको वृक्ष बताते हुए आए वो लोगों के लिए दिया है। मगर अलग अलग समय पर अलग एक एक जगह एक समय पे 4.5 लाख तमिल्स को सिटीजनशिप दिया है, जब नहीं पूछे कोई भी पाकिस्तान से आया वो लोगों को क्यों नहीं दिए, अफगानिस्तान से आया क्यों नहीं दिए, अलग अलग समय पर अलग अलग इश्यू होता है। जब श्रीनगर से आए 4.5 लाख तमिलियन पीपल को पहली बार दिए, उसके बाद 1.5 लाख लोग दिए, अभी लगभग नए 70,000 लोग हैं, उनको भी आने वाले दिन में सरकार निर्णय लेंगे होने पर, समय पर निर्णय लेंगे, ऐसा एक नहीं है। नमस्कार, वो है बोले ना, मैं बोले ना प्राइम मिनिस्टर जो बोले वही वही इस निर्णय नागराज हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ వ్యతిరేకత ఊహించిందా సిఐఏ విరుద్ధంగా? లేదు, ఊహించలేదు మేము, ఎందుకంటే మేము చాలా ఇందులో ఏ మతానికి కానీ ఏ కులానికి కానీ ఏ ప్రాంతానికి కానీ ఏ భాష వారికి కానీ వ్యతిరేకంగా 130 కోట్ల మందికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో ఏ ఒక్కరికి వ్యతిరేకంగా లేదు కాబట్టి ఎందుకు వ్యతిరేకత వస్తుంది అనేటువంటి భావనతో ఉందని తప్ప మేము ఊహించలేదు ఇంత వ్యతిరేకత వస్తుంది ఇంత విష ప్రచారం అని సార్ आप जो बोले एनआरसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का जो वर्ड है वो विकास पालन है, लेकिन फिर अमित शाह का और का वर्ड और जो है जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की पूरे में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? तो कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, एनआरसी के ऊपर कोई कैबिनेट में अभी तक चर्चा नहीं है। एक हमारा पार्टी का पॉलिसी था पहला मालूम है सब लोगों को, इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगाया वही शब्द यहाँ पर अमित शाह जी ने यूज किया। सरकार का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, सरकार का निर्णय तो जरूर बताएंगे, कोई डरने का जरूरत नहीं है। आप सब लोग कोई भी भारत के वासी कोई डरने का जरूरत नहीं है, कोई एनआरसी के कारण कोई एक व्यक्ति भी विदेश भारत का 130 करोड़ लोग में एक व्यक्ति भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं वादा देता हूँ, वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी के सर, 130 करोड़ जनता में एक व्यक्ति भी एनआरसी के नाम पर विदेश भेजाने वाले नहीं है, एनआरसी का भी कोई सोच नहीं है। एनआरसी अभी जब आएगा तब पता नहीं कुछ भी, कोई डरने का बात नहीं। एनआरसी के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए मजहब के नाम पर रिलीजियस के नाम पर एनआरसी के नाम पर भड़का के भारत में एक लैंड का प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए प्रयास कर रहे, ये बहुत गलत है, गलत है, गलत है।